क्रियात्मन ये जो गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है, इस पर आप गुरुदेव चरण में नमन करते हुए आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं और आने को बधाइयां। आज हम गुरुदेव की हम क्या मतलब वो कोई गुरु वंदना और गुरु का वर्णन क्या कर सकता है। सात समुद्र को मस्त करूं, लेखन करूं बनराय, सब धरती कागज करूं और गुरगुन लिखाने जाए। मैंने ये जहां ये कहा गया है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को वो एक ऐसी चीज बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको बहुत प्रेरणा सबको मिलेगी। और जब श्री योग सम्राट श्री देवरामा महाराज जी जब वो अमरकंटक के वन प्रांत में रहते थे, तो वहाँ मनुष्य की बात क्या, राजनेता की बात क्या, वो शेर और बाघ भी आते थे और शेर बाघ भी वो महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते थे और उन्होंने वो दीक्षा लिया। श्री महाराज ने शेर और बाघों को भी दीक्षा दिया। जहाँ शेर और बाघ दीक्षा के लिए जाते थे, ये उस जगह का मैं वर्णन कर रहा हूँ। और ये अब महाराज के बारे में तो कहने की कोई बात ही नहीं है। क्या राजनेता, क्या वो विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हम तो अपनी व्यक्तिगत बात अभी नहीं बता रहे हैं। जो हजारों मेरे साथ खुद महाराज को मैंने स्पर्श किया, उनसे बात किया, वो सब बात तो प्रसंगानुसार मैं कहूँगा कि कैसे वो MLA से लेकर MP तक और मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, चाहे वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हों, और ये अनेक और केंद्रीय मंत्रियों का तो खैर कोई वो गिनती ही नहीं है। तो हमको महाराज सब जगह भेजते थे, क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या मुख्य सचिव, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या कमिश्नर। मैंने कहने का मतलब कि महाराज के सानिध्य में रह कर के हमने जो कुछ अनुभव किया और ऐसी ऐसी घटना जो स्वयं मेरे साथ घटी है, उसको मैं प्रसंगानुसार वर्णन करूँगा। आज खाली गुरुदेव के चरण में नमन करते हुए यही कहूँगा कि मैं वो अब सुना था किताबों में, ग्रंथों में, पुराणों में कि सतयुग में ऐसे ऋषि रहते थे और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वो तो मैं किताबों में पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा और ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन मैंने वो जीवंत जो एक वो ऋषिकालीन परंपरा के, चाहे वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी भी युग को ले लिया जाए, हमने महाराज जी को के जीवन में जो कुछ देखा, वो सब चीज वो ग्रंथों में वर्णित है। तो वो एक आदर्श थे और वो उनके अंदर वो सामर्थ्य था कि अगर कोई राजनेता अगर कोई गलत राह पकड़ता था, गलत बात करता था, तो महाराज उसको डांटते थे। मैंने कई राजनेताओं को वो डांट खाते देखा, कई मंत्रियों को, मैं प्रधानमंत्री तो को भी डांट खाते देखा है। कभी प्रसंगानुसार इसका मैं वर्णन करूँगा। और आज मैं यही कहूँगा कि क्या शेर, क्या बाघ, क्या वो नाग और क्या वो जंगली और भी जो हिंसक जानवर, और सब महाराज के वो कमांड में रहते थे। महाराज वो चूंकि स्वरूप अवस्थित योगी थे और उनका अष्टांग ये जो पातंजलि पूर्णतः सिद्ध था, वो कहते थे कि हाँ मेरी ब्रह्मलीन अवस्था है, मेरी ईश्वरीलीन अवस्था है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज के इस अगर सचमुच महाराज के आदर्शों को, जैसा कि वो तमाम वो सब राजनेता जानते हैं और उनकी उम्र का कोई था नहीं लगा पाया कि 1000 साल के थे, 500 साल कितना कोई नहीं जान पाया, अगर उनके आदर्शों का अगर पालन किया जाए तो संसार में जो हाहाकार मचा, मारकाट मचा है, वो समाप्त हो जाएगा। मेरे पिताजी दर्शन में जाते हैं, महाराज उसे बार बार बोलो क्या मानना है, पिताजी ने कहा आपके चरणों की सेवा, तो इतना खुश हो जाते थे महाराज जी। योग समर्थ दे रहा होगा, देखा कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई DM है तो कमिश्नर बनना चाहता है, कोई चीफ सेक्रेटरी बनना चाहता है, और कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए वो यहाँ पर वो याचना कर रहा है, ये गरीब ब्राह्मण मेरे चरण की सेवा चाहता है। तो सचमुच महाराज ने हमको चरण पादुका दिया भी है। और हम यहाँ पर बात को बहुत विषयांतर न ले आकर के यही कहूँगा कि ऐसे संतों के आदर्शों को अगर जीवन में अगर पालन किया जाए तो भारतवर्ष वो फिर सोने की चिड़िया रहा है और फिर बन जाएगा। और हम लेकिन हाँ, हमको सचरितता, आदर्श, प्रेम भाव, महाराज जी क्या जीव जंतु, क्या पशु पक्षी,
क्या वो नेता, क्या वो राजनेता, क्या संसार के अनेकों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, वो महाराज बिना भेदभाव के सबको वो आशीर्वाद देते थे। और उनका सर्वार्थ दर्शन जो मैं पुस्तक जो लिख रहा हूँ, उनका जो सर्वार्थ भाव सर्वार्थ दर्शन है, वो पुस्तक आपको बहुत जल्दी आपके समक्ष आएगी। बात बहुत विस्तार में न जा करके यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे महान संतों का हमें वो अच्छा सा पालन करना चाहिए। जो जो ये गुरु ग्रंथ ये सब साक्षात परमेश्वर के स्वरूप है, इसमें किसी जैसे किसी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इस तरह से मान वो हमको समझना चाहिए। और आज संसार के समस्त प्राणी को ऐसे महान संत, ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान योगी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए उनके सिखाए आदर्श पर चलना चाहिए। और बाद में प्रसंगानुसार मैं बहुत सी बातें कहूँगा कि मैंने खुद देखा अपने जीवन में जो मेरे साथ घटित हुआ है, वो उसका जिक्र मैं प्रसंगानुसार करूँगा। आजकल इतना ही कह रहा हूँ कि वो स्थान, वो ऋषि, वो योगी रहे जहाँ शेर बाघ अभी दीक्षा प्राप्त किए और शेर बाघों को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। और महाराज जब जंगल के रास्ते गुजरते थे तो तमाम ये शेर बाघ और जंगली ये और भी हिंसक जीव और सब, क्योंकि महाराज सबको प्रसाद देते थे, आशीर्वाद देते थे। और वो चारों तरफ वो जंगल में मंगल का वातावरण रहता था, उन्होंने जंगल में मंगल कायम किया, वैसे महान ऋषि। आज इतना ही, आगे और आपको बहुत सी अच्छी चीज़ बताऊँगा। आप ये चीज़ों जो हमने बताया उनके आदर्शों को पालन करने से, उसका वो अनुकरण करने से, उसका अनुशीलन करने से वो परिवार नहीं, समाज नहीं, देश नहीं, संसार में शांति छा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आप आज इसी के साथ वो गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि नमन करते हुए आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ।